बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। लीगल इंफॉर्मेशन में खुश आमदीद। जैसा कि आप रिटायर्ड फौजी पेंशनर्स के लिए खुशखबरी का थंबनेल पढ़ रहे हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पेंशन तकसीम करने का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया है। अब जनाब डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम के तहत आर्मी पेंशनर्स को पेंशन की अदायगी पोस्ट ऑफिस की बजाय बैंकों से शुरू कर दी गई है। पेंशनर्स डाकखानों में लाइनों में लगने की बजाय अब अपनी पेंशन अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट्स पेंशन लाहौर साद फारूकी ने मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल मंजूर अहमद कियानी और चीफ कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट्स डॉक्टर फहद की हिदायत की रोशनी में आर्मी पेंशनर्स को डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम पर मुंतकिल करने के निज़ाम को सहल बना दिया है। कंट्रोलर साद फारूकी इससे कबल बतौर डायरेक्टर अकाउंट्स पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस पेंशनर्स और एम्प्लाइज़ को DCS पर मुंतकिल कर चुके हैं। डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम के तहत आर्मी पेंशनर्स को पेंशन की अदायगी पोस्ट ऑफिसेस की बजाय बैंकों से की जाती है। तो ये थी जनाब ताज़ा तरीन खबर जो कि रिटायर्ड पेंशनर्स फौजी पेंशनर्स के लिए है, और ये अब उनको पेंशन की वसूली में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ना तो लाइनों में लगना होगा और ना ही किसी किस्म की उनको कोई परेशानी होगी। बैंक में डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम के तहत उनको पेंशन की वसूलियाँ भी हो जाया करें।